Whoa. वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, अबे जब वो इंस्पायर्ड मी ब्रो, वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, अबे जब जोश ही नहीं लल्ला किस काम की तेरी जवानी। आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, और पारस और भारतीय विद्यापीठ का कोई तोल नहीं। कोई तोल मुझे समझ में आ गया, तुम्हें हिंदी टर्न ऑन करती है पूरी टका के। मैं सब बोलता हूं, फिक्र मत करो, समझ जाऊंगा मैं। यू नो जो मेरे मन की भावना है, जैसे कोई तिनका नर्मदा माई में बहता 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 किसी शिवलिंग के ऊपर टिक जाए तो कैसा महसूस करेगा, वैसे सिद्धू आज आप सबके बीच में आके महसूस करे। टंके की चोट पे मैं ये कहता हूं कि पतंगराव जी कोई शख्सियत नहीं थे, एक संस्था थे। संस्था पीढ़ी दर पीढ़ी उनका काम दुनिया को याद रहेगा, क्योंकि शिक्षा शिक्षा काम धेनु गाय है हर इच्छा को पूरा करने वाली। ये वो धन है जिसे दुनिया में कोई चुरा नहीं सकता, विदेशों में भी चोरी नहीं होता, जो कुरूप को सुंदर बना देता है, और सच पूछो इंसान को आत्मनिर्भर बना देता है। किसी भूखे को रोटी दे दो उसे दोबारा भूख लगेगी, लेकिन किसी को शिक्षा दे के आत्मनिर्भर बना दो, वो हजार लोगों को रोटी खिलाने लायक हो जाता है। 1983, आई एम गोइंग टू बी रिवाइंडिंग माई सेल्फ टू द एरा ऑफ कपिल देव। यू ऑल नो द ग्रेट इंडियन ऑलराउंडर कपिल देव। My first test match, Kapil Paji took 9 wickets. It was a world record, total euphoric feeling. The whole world was so happy. This was the first time that a Indian fast bowler had taken 9 wickets. Kareeb kareeb 300 journalists converged on to Ahmedabad, which was such a great occasion. Un dinon mein test match mein rest day hota tha. So, 300 लोग वहां कपिल पाजी को रेस्ट डे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इनवाइट करते हैं। आई गिव हिम अ पीस ऑफ एडवाइस, मैं कहा पाजी आप अंग्रेजी जबान को मर्डर कर देते हो, हर आदमी में कोई ना कोई कमी होती है, वहां बाउंसर लगेंगे, मत जाओ वहां पे। रेस्ट डे को मीनाक्षी शिशाद्री की पिक्चर लगी है, हीरो वो देखने चलते हैं, आप बच लो इस बात से। तो मेरी तरफ देख के कह रहा है सरदार पंजाबी में, तू क्या सोचता मैं डरता हूं, वट कर दूं मतलब कपड़ा निचोड़ दूंगा मैं। एंड आई एम थिंकिंग यू डोंट मर्डर अ मैन हु इज ट्राइंग टू कमिट सुसाइड। एनीवे वी वेंट देयर, देयर अबाउट 300 प्रेसमैन इन दैट गैलरी, स्पेस फॉर 250, एंड द प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्टेड। एंड कपिल पाजी न्यू नथिंग अबाउट इंग्लिश, ही वुड मर्डर द इंग्लिश लैंग्वेज, आई एम टेलिंग यू दैट, यू नो। एंड इट स्टार्ट्स, मिस्टर कपिल देव, मैं क्या मर गए पाजी। Mr. Kapil Dev, why can't we produce another Kapil Dev? मैं क्या गए भाई, काले अक्षर वाले कार्ड छपेंगे, कपिल देव चढ़ गया घोड़ी। मैं क्या गए, why is it that a country of 1 billion cannot produce another Kapil Dev? Why can't we produce another fast bowler like you? बोलते बोलते जब तीसरा चौथा पांचवा क्वेश्चन आया, मैं क्या ले भाई हो गया काम पाजी का। एंड ही गेट्स अप, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं क्या लेडी तो है ही कोई नहीं पाजी थे पंजाबी ऐसे आइटले। And he suddenly looks around and shoes me down. Again, that question comes. Why can't we produce another Kapil Dev? Says, ladies and gentlemen, my mummy is 62 year old, my papa is dead, you can't produce another Kapil Dev. Thoko, thoko, mat roko. So, you know, Kapil Paji came from a very humble background where English was taught in class 6. He came from a very, very humble background, and I have seen him compete with Kapil Paji competing with Yashpal Sharma. Dono ek jaise hi the. Andha guru, behra chela, dono narak mein thelam thela. To dono ki competition hoti thi, A for apple, B for balla, C for kutta, D for dola. You know, this is how they would compete. But look at this man. I came from a very proficient English speaking background, a public school background. I never had the guts.
टू फेस दैट काइंड ऑफ अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड हियर वाज अ मैन हु न्यू नथिंग अबाउट इंग्लिश ही चैलेंज्ड दोज पीपल गेव देम अ बिफिटिंग आंसर देन ही आस्क्ड मी व्हेन आई केम आई डाइड लाफिंग एंड देन आई केम बैक सरदार कोई और सवाल पूछ रहे मैं क्या मरना किसी ने आपको सवाल पूछ के पा There's nothing good about it. It's your thought process. Your thoughts are the real interpreters of your actions. You are what you think. तुम इंसान को डंडे से नहीं बदल सकते, शिक्षा से थोड़ा बहुत बदल सकते हो, लेकिन तुम अगर किसी इंसान को बदलना हो तो उसकी सोच से उसे बदल सकते हो. हंस और बगला मानसरोवर में इकट्ठे रहते हैं. हंस मोती खोजता है और बगला मछलियां खोजता है. दोनों की सोच में अंतर है. सोच ऊंची, बंदा शहनशाह शाहों का शाह, और सोच नीची, कौन कहता है सिद्धू कहता है ताली ठोको, खुद ही ठोक रहे हो. इट्स अबाउट दैट थॉट प्रोसेस. फियर इज द डार्क रूम इन विच नेगेटिव्स आर डेवलप्ड. इट मल्टीप्लाइज फास्टर देन रैबिट्स. इट किल्स अ यंगस्टर. इट इज द ग्रेटेस्ट डेटरेंट दैट यू एवर हैव इन योर लाइफ. This fear of failure is the biggest difference between a champion and an ordinary person. Courage is not the absence of fear. Everybody fears. दानवीर करण को जब वो अर्जुन से लड़ने जा रहा था, मद्र नरेश ने कहा था कि तुम्हें भय नहीं लगता, तुम एक अजय रणधीर रणभट्र योद्धा से लड़ने जा रहे हो. एंड दानवीर सेड, मद्र नरेश वो काठ के योद्धा होते हैं जिन्हें डर नहीं लगता. आई एम नॉट अ वुडन वॉरियर दैट आई एम नॉट अफ्रेड, लेकिन मेरा डर मुझे जागरूक रखता है, लेकिन मेरे आत्मविश्वास को कुरेदता नहीं. करेज, इट मींस करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, इट इज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ फियर. दैट इज व्हाट इट इज. एंड इफ यू कैन कॉन्कर योर फियर्स यू विल बी चैंपियंस. देयर इज नथिंग दैट विल एक्चुअली सेपरेट यू फ्रॉम बीइंग अ ग्रेट चैंपियन. 1987 We tore the West Indies, my first tour to the West Indies. Sachin Tendulkar ka dusra, itna sa balak, 16 saal ka, ghungrale baal. Shiri, kaisa hai tu? You know, choti si awaaz, lekin bade kaam. And we got caught on a wet pitch. And these are things that have happened on the ground. So you will believe in these. And see how champions conquer situations. See how champions conquer adversity. So here we are playing in the West Indies. रात को सपने में भी कर्टनी वॉल्श आता था, ऐसे ऐसे करके मैं उठ जाता था. कर्टनी वॉल्श, पैट्रिक पैटरसन, एम्ब्रोस, 6'8", कोई 6'8" से नीचे था ही नहीं. एंड वी गेट कॉट ऑन अ वेट पिच, एब्सोल्यूट गीला पिच. बारिश हुआ, उन्होंने कवर्स उठाया, गीला पिच. गीले पिच में मैच शुरू नहीं कर सकते, बिकॉज़ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्ले. मैंने अजरुद्दीन को कहा, मैं कहा मियां तेरे से कभी कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार मांग रहा हूं तू टॉस जीत जाना. हाउ हाउ हाउ, मैं ठीक है भाई. अंदर गया मियां, उसने उछाला सिक्का, तो मुझे कहता बैटिंग कर. मैं कहा तेरी ऐसी की तैसी. एंड आई एम कर्सिंग हिम वेयरिंग दोज पैड्स एंड आई एम वॉकिंग आउट विद टेंडुलकर टू बैट ऑन अ वेट पिच अगेंस्ट कर्टनी, एम्ब्रोस, वॉल्श, ऑल दोज बिग गन्स. जाते जाते मैं टेंडुलकर को पूछता हूँ, मैं कहा यार टेंडलिया क्या करेंगे गीला पिच है. सो ही लुक्स एट मी, खेलेंगे. मैं कहा मुझे भी पता खेलेंगे, पकौड़े थोड़ा तलने जा रहे हैं वहां पे. सो ही वॉक्स आउट विद मी एंड डज दैट दैट. ठीक है, द फर्स्ट ओवर दैट वी फेस इज एम्ब्रोस बोलिंग 6'8". स्क्रीन के ऊपर से हाथ आता था उसका, ऐसा लगता था बादलों में से बॉल आ रही है. आई स्वेयर टू गॉड, ऐसा लगता था बादलों में से बॉल आ रही है. यू नो द फर्स्ट ओवर 7 balls ही बोल्ड, द स्कोरबोर्ड रेड 1 run, नो बॉल का ही मिला, नो बॉल का ही मिला. 7 balls थी, मेरे शरीर के अलग अलग 7 कोनों पे लगी, बस बल्ले पे नहीं लगी बॉल. हाँ, इधर इधर उधर. एंड आफ्टर द ओवर आई वॉक्ड अप टू टेंडुलकर. लोग सोचते हैं पता नहीं क्या बड़ी टेक्नोलॉजी डिस्कस करते हैं जब दो बैट्समैन जाके बात करते हैं ना. मैं बताता हूं, मैं पोल खोलता हूं अभी, बताता हूं क्या क्या बात करते हैं. सो वी आई वॉक्ड अप टू हिम, मैं कहा टेंडलिया अरे, मैं कहा इज्जत का फलूदा हो गया रे. सो ही लुक्स एट मी, क्या रे शेरी खेलेंगे. मैं कहा खेल रहा हूं गुरु, लेकिन गीला पिच है, बॉल टप्पा पड़ते ही शरारत कर रही है, रुक के आ रही है, थम के आ रही है, मिट्टी मेरे मुंह पे आ रही है, टप्पा पड़ते ही बॉल शरारत करती है. अरे खेलेंगे, मैं कहा खेल तू खेल. उधर चले गए जी, इधर से बिशप, इयन बिशप,
एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, भाई ठोको ठोको मत रोको, इन कम्स बिशप फ्रॉम द अदर एंड, और मैं च्युइंगम चबा रहा हूं और उसको देख रहा हूं, जितनी मेरी जांग है उतना उसका डोला है, 6 फुट 9 इंच का बंदा है, परकिन इंजन की तरह धक 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 धरती कांप रही है, और मैं देख रहा हूं उसको क्या आ रहा है भैया. एंड ही डिलीवर्स द बॉल, द मोमेंट ही डिलीवर्स द बॉल एंड आई लुक एट टेंडुलकर, द च्युइंगम पॉप्स आउट ऑफ माई माउथ, थप करके ऐसे करके टेंडुलकर भाग रहा है उसकी तरफ, यू नो ही बोल्स एट 160 किलोमीटर्स पर आवर. And here is a young fellow who's running towards him. And he takes it on the full toss. Bishop delivers the ball. He takes it on the full toss. Thak! Samne chakka. Oh, mega bhai. And I walk up to him. I said, mega tindya. Mega bhai, kya kya? Kera shiri, tu bola na, tappa pad ke ball shararat kar rahi hai. Main tappa hi nahi padne diya, re. Thoko, thoko, mat roko. That is where champions come from. Here is a young boy, 16 and a half, who has no fear. And that is what a true leader is all about. You've got to be leaders in tomorrow's world. And you've got to lead from the front. What is a leader? A leader converts weakness into strength. He converts obstacles into stepping stones. And he converts disaster into triumph. That's what a leader is all about. And if you want to be a leader, you'll have to be like that. And as I progress, I will clear the fog in your mind. And I will clear the doubts in your mind. Doubt creates a mountain and faith tunnels through it. You must have faith in your ability. And this is exactly what it is. Banda us kasturi ke mrig ki tarah hai, jo jangalon mein bhatakta hai, us khushbu ki tarah. Us khushbu ko dhoondne ke liye, jo uski nabhi se aati. You don't have to search anywhere. It's all within. But how? Through your thoughts. Positive anything is better than negative nothing. It is this positive energy which will make you champions. It is this positive thought process. And what does a champion do which is separate from the others? He conquers adversity. Mushkil waqt mein aam aadmi bechara ban jata hai. My professor did not teach me well. My mummy papa was not there. You know, sympathy is for the weak, and the weak go to the cooking pot. There's no scope for being a bechara in life. You know, ek patthar chot kha ke kankar kankar ho gaya, aur ek patthar chot seh ke shankar shankar ho gaya. It is about conquering adversity. It is about, you know, being through situations which are tough and overpowering those situations, not succumbing to those situations, not lying flat in front of those situations, you know. And that is what courage is all about. Sachin Ramesh Tendulkar, again, I come back to him. Pahla tour, you will not remember, the first tour that Sachin Tendulkar undertook was with me to Pakistan. He was 15 and a half, and he was pitted against Waqar Yunus, Wazim Akram, Wazim Akram, all those people. Aur pehla match, Sachin Tendulkar scored a blob. The first test match he played, you will be surprised to know that he scored a 0. The duck. The next innings, he scored a 7. The second match, he scored another 15 and a 3. He was dropped from the Indian team on the Pakistan tour. Criticized very, very badly. That here is a greenhorn, a chicken thrown in front of the wolves, all that. It was written about Sachin Tendulkar on the Pakistan tour. And he was dropped from the third test match, and in the fourth test match, again, he was brought in. We had drawn all those three test matches. I was very recently married before I undertook that trip. Teen matchon mein maine 2 century banayi thi. Pura shaan se khel raha tha. And then the last test match was on a green top pitch. इमरान खान को ये था कि भैया ये मैच जीतना ही है, किसी तरीके से जीतना है. सो उसने घास छोड़ा इतना इतना मूछों वाला घास. ही इंस्ट्रक्टेड द ग्राउंड्समैन कि घास नहीं काटना. यू कुड हैव ग्रेज्ड अ फ्यू काउज एंड बफलोज ऑन दैट एंड दे वुड हैव सर्वाइव्ड फॉर 2 वीक्स. आई एम टेलिंग यू दैट राइट. फोर डेज वी सर्वाइव्ड. द लास्ट डे वी वर टॉटरिंग एट 22 फॉर 4.
chasing a total of 300, 22 for 4, first hour of the last day, घास वाली पिच और मैं बैटिंग कर रहा हूँ. बड़ी कोशिश की मैंने आउट आउट होने की पर नहीं हुआ, कहीं इधर से निकल जाए कोई उधर से निकल जाए. फोर डाउन एट 22 फॉर 4 एंड आई वाज थिंकिंग वेदर आई विल सी माय वाइफ अगेन और नॉट. इतनी तेज गेंद डाल रहा था एंड रवि शास्त्री वाज एट द ऑपोजिट एंड 22 फॉर 4 एंड सडनली वसीम अक्रम बोल्स अ बाउंसर एट मी ठप ऐसा करके आई डू दिस एंड रवि शास्त्री कम्स अप टू मी सेज वेरी वेल लेफ्ट सिट्स. मैं कहा मुझे तो दिखी नहीं गुरु. I just didn't see it. You know, it was so quick. And the next over, Ravi Shastri gets a snorter of a delivery, a bouncer, tup, gloves pe laga, and he gets out. And he's walking past me. Oh, I'm unlucky. I should have gone to the church. And I'm thinking, you're the luckiest man, boss. Out hoke bahar ja raha hai. Main abhi bhi Wasim Akram ko jhel raha hoon. And suddenly I see this young Tendulkar walking up. Aur mera chehra ekdam se khil gaya. मैं कहा यार टेंडुलकर है, टेंडुलकर के बाद कुंबले शुंबले है तो साइकिल स्टैंड है, एक को धक्का मारो तर 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 सब नीचे जाएंगे. मैं कहा कोई चक्कर ही नहीं, टीम आउट हो जाएगी. एंड आई थॉट यार कोई चक्कर नहीं है. एंड आई एम नॉट थिंकिंग एट दैट टाइम दैट हियर एम आई प्लेइंग फॉर अ कंट्री. आया सचिन टेंडुलकर, ही सेज अरे शेरी. मैं कहा शाबाश शाबाश. एंड आई एम थिंकिंग गया भैया, गया बिली का बकरा है गया. सो द फर्स्ट बॉल ही फेसेस कट्स हिम इनटू रिबन्स एंड सुप अंदर से निकला. मैं कहा गया भैया गया. एंड द नेक्स्ट बॉल इज अ विशियस and Tendulkar tries to hook that ball. The ball ricochets off the inside edge, naak pe seedha, 160 kilometer, thup, yahan pe, naak pe. And he goes down, thum, karke aise pura. Man, the first thought that comes to my mind is, main kya mar gaya chhora. And I run towards him and I look at Tendulkar. It's a gory sight, blood splattered face, puri tarah se khoon se bhara hua chehra hai. वहां चल रहा मैं भाई क्या ये नहीं खेलता क्रिकेट दोबारा. एंड आई शाउट फॉर हेल्प एंड आई शाउट फॉर डॉक्टर अली ईरानी. प्लम्प इज अ पार्टरिज इज वॉकिंग इन, यू नो उसका इलाज टेंडुलकर की बीमारी से ज्यादा खतरनाक था क्योंकि उसको कुछ नहीं आता था. सेरेडॉन की टेबलेट दे दी और सर के ऊपर बर्फ की सल्ली लगा दी. दैट इज एग्जैक्टली वॉट अली वुड डू एंड ही वाज कमिंग रनिंग इन. एंड मैं क्या गया भैया आप तो पक्का ही गया, यू नो उसने बर्फ लगाई ऊपर एंड सेरेडॉन मुंह में डाली. टेंडुलकर वाज नॉट इवन मूविंग, ब्लड स्प्लैटर्ड फेस, नोज टेढ़ा नीला पूरी तरह हुआ हुआ. एंड आई एम वॉकिंग टुवर्ड्स द अदर एंड एंड बिफोर आई रीच द अदर एंड आई हियर अ स्क्वीकी वॉइस, मैं खेलेगा. मैं बुरा ऐसे करके ठपैक करके आई लुक एट टेंडुलकर. फिर आई लुक एट टेंडुलकर, नाक में से रुई रुई लटक रही है नाक में से, यू नो इट्स अ ब्लड स्प्लैटर्ड फेस एंड ही इज शूइंग ऑफ डॉक्टर अली रानी. एंड ही सेज मैं खेलेगा उस्ताद. मुझे लगी होती ना तो मैं शाम को 6 बजे ही आंखें खोलता, सीरियसली मैं बोल रहा हूँ. इट वॉज सो फिरोशियस दोस्त बोले. ओह मैं कह रहा हूँ इतनी तेज गेंद कर रहे थे वो और इस तरह से खूंखार होके गेंद कर रहे थे. एंड हियर इज दिस यंग बॉय, ही वॉक्स अप टू मी, ही सेज शेरी. आई सेड व्हाट? ही सेज इंडिया खतरे में है, जान लगा के खेलेंगे सिद्धू, जान लगा के. कैन यू इमेजिन a 16-year-old boy who has been bowled out for a zero, for 16, for 7, and here is a Sardarji who's thinking about his wife and who scored 200s and he's telling him, jaan laga ke khelenge, jo bhara nahi hai bhaavon se, behti jisme rasdhar nahi, wo hriday nahi hai, patthar hai, jisme swadesh ka pyar nahi, Hindustan. There was Sachin Ramesh Tendulkar facing the most fierce fast bowler, Waqar Yunus. And I'm standing right in front of it. It inspired me so well. मैंने कहा यार सरदार असरदार बन के दिखा, अड़ जाएंगे आज, छोड़ेंगे नहीं. You know, and I patted his back and I was so amused. मैं हैरान रह गया कि ऐसा भी कोई कर सकता है. And he took guard. वकार came in. And I knew कि अगला बॉल यॉर्कर आने वाला है, वो पैर के नीचे लगेगा या टो गई या बैट गया या विकेट गई, मुझे पता था. And he stands right behind, एक फुट पीछे खड़ा है. एंड वकार बोल्स दैट यॉर्कर एंड ही हिट्स इट स्ट्रेट पास, थप करके मारा मेरी तरफ, 160 उसकी तरफ, 180 मेरी तरफ. मैंने यूं किया, नीचे से गई ठा करके होर्डिंग में लगी और सारा सियालकोट का स्टेडियम खड़ा हो गया, सारा सियालकोट का स्टेडियम खड़ा हो गया. एंड यू नो सचिन रमेश तेंदुलकर हिट हिम फॉर 3 boundaries इन दैट ओवर एंड ही वॉक्ड अप टू हिम. एंड आज मुझे आज भी याद है उसके पास गया एंड वकार स्टेयर्ड एट हिम. मुझे घूरता तो मैं तो ऊपर सूर्य चांद सितारे दिखता था.
टेंडुलकर वॉक्स अप टू मी एंड सेज तुझा मक्खन रे तुझा मक्खन. Exactly, that is what exactly Tendulkar said. And yours truly, at that point, you know, completely turned on his head. The match, what happened to the match? Tendulkar scored 57 not out in that innings. Yours truly, 97 not out. Not a single wicket fell on that day. That is how champions behave. For the first time, I saw Sachin Ramesh Tendulkar in a test match scoring a 50. And that is where Sachin Tendulkar catapulted. Life is not going to be easy. Life is not a bed of roses. Adversity will come time and again, knock at your doors, challenge you, always. And believe you me, if you want to conquer adversity, ek gurti deta hun aapko. Ek bahut zabardast gurti deta hun. Aur aaj meri talk jo hai na, aapko yaad rahegi sari umar. Aap jab bhi adversity aaye, आप ये समझ लेना कि परमात्मा ने आपको एक मौका दिया है 10 गुना बड़ा होने का, 10 गुना बड़ा होने का, 10 गुना संवरने का. सुरखुरू होता है इंसान आफतें आने के बाद और रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद. ऑलवेज रिमेंबर दैट एडवर्सिटी मेक्स यू व्हाट यू आर. यू नो द सेकंड थिंग दैट आई विल कम टू बिफोर आई टच द एडवर्सिटी फैक्टर इज ऑलमोस्ट ऑल एब्सर्डिटी ऑफ कॉन्डक्ट अराइजेस व्हेन पीपल इमिटेट अदर्स. When you imitate someone, you can never be the other person and you lose yourself in the process. जिंदगी में अलग अलग कुओं के पानी का स्वाद अलग है. जो ध्वनि सोने के बर्तन से आती है वो कांसे के बर्तन से कभी नहीं आएगी. हर आदमी अलग है. दो इंडिविजुअल्स के फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे के साथ नहीं मिलते. खरबों लोग हैं. यू हैव टू बी योर सेल्फ. यू हैव टू बी वॉट यू वॉन्ट टू बी. आई मेट शाहरुख खान 25 to 30 years ago, and he used to call me Sixer Sidhu at that time. Sidhu saab, main aapke chakke dekhne aaya hu. Main kaha yaar Sixer Sidhu mat bola kar, baki jo marzi bol. Kyunki isko hindi mein translate karo to bada kaam kharab ho jata hai. So he comes up to me and he says, modern school ground. And in those days he was acting in a serial called Fauji, and there was another one which was called Circus. So maine kaha yaar, I'm a huge fan of yours, brother. What do you intend doing? He told me, sir, Bollywood. मैं कहा यार Bollywood में जाना है. Cutthroat competition है. They'll eat you like a sausage for breakfast, boss. तू Bollywood में तेरी मम्मी Bollywood में नहीं, तेरे पापा Bollywood में नहीं. How will you succeed in Bollywood? There is cutthroat competition, I told him. And he replied in one line. He says, Sidhu saab, I don't compete with the world. I compete with myself. That is the key to all success. Why are you jealous when somebody else scores good marks? Why are you trying to pull others down? Duniya mein sabse bada rog, I always say, mere bare mein kya kahenge log? Isse bada rog hi nahi duniya. Why you bothered about what the world will tell you or what the world will say about you? It's a disease, and 99% of the people are smitten with that disease. सभी को सभी कुछ हासिल नहीं मिलता. नदी की हर लहर को साहिल नहीं मिलता. ये दिल वालों की दुनिया है. अजब है दास्तां इसकी. किसी से दिल नहीं मिलता और कोई दिल से नहीं मिलता. Never bother about what people think about you, what people say about you. Never ever bother about you. Always be accountable here to your own conscience. A good conscience is probably the best tranquilizer that you will ever have. दुनिया को जवाबदेही मत हो, अपने भीतर को जवाबदेही हो जाओ. और जिस दिन तुम अपने भीतर को जवाबदेही हो गए और तुम्हें ये रोग नहीं रहा, दुनिया में सबसे बड़ा रोग मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग, उसी दिन तुम बड़े हो जाओगे. When you're criticized, always remember that you are worth it, you are important. क्योंकि पत्थर सिर्फ आम के पेड़ को लगते हैं. पत्थर सिर्फ उस पेड़ को लगते हैं जो फलों से लदा हुआ है. नीम के पेड़ को कभी कोई पत्थर नहीं मारता. मरे कुत्ते को कभी कोई लात नहीं. If you're criticized, you're very important. Otherwise, nobody will ever criticize you. And that is the essence. People ask me, Sidhu sahab, aap politician ban gaye, aapne TV bhi kar liya, aapne commentary bhi kar li, aapne laughter challenge bhi kar liya, aapne sab kuch kar liya, aap 4 baar MP ban gaye. What is the secret to your success? That's what people ask me. I tell them, it is passion and not pedigree which wins you in the end. People ask me, what is passion, sir? I tell them, junoon.
People ask me, what is junoon, sir? I tell them, live one idea, breathe one idea, sleep one idea, talk one idea. Let that idea be a tidal wave. Let that idea engulf every pore in your body. And every pore in your body must sing that idea. You will be 100% successful. 100%. You've got to live one idea in your life. Make it your goal. And only then will you succeed. Otherwise, there will be no success. In 1983, I was thrown out of the Indian team. And did not find a place in 55. I was a member of the Indian team, and then I did not find a place in the 55 people who were selected for India. And one fine morning, I came out of the bathroom and I saw my father weep like a baby. I'd never seen. He was Advocate General of the state. He was MP. He was a very renowned politician at that point of time. And I saw him cry like a baby. And he hid a newspaper under the, and hid it under the pillow. I was flabbergasted. I went to the other room and came back once he left for the court. And I pulled out that newspaper. It was the Indian Express. And on the front page of the Indian Express was an article by Rajan Bala. And it wrote, Navjot Singh Sidhu, the strokeless wonder. A man who could not even hit the ball hard. A strokeless wonder, that article dubbed me. Front page of the Indian Express, right? Huge story. The press is very strong. It can infuse life in a corpse and vice versa. A live and a kicking man can go into his grave if the press wants it. And that is exactly what happened. I was not selected in the 55 that were selected that day for four teams. And something snapped within me. I'd never seen. All my life was a tribute to my father that I wanted to be an international cricketer. Every day I would cheat my father. He would wake me up at 6 o'clock. I would go to the other room, bribe the servants, tell him, "Batana mat, 2 ghante soke, gili t-shirt pehen ke fir wapas aa jana." Father ne puchna, "Kitna round bhaga?" 10. "Thak gaya? Haan, so ja." Again I would sleep. Every day I would cheat him. But that day, my life changed. That critical analysis by Rajan Bala changed my life completely. It turned me on its head. I took sacred vows. I took water in my anjali. And I poured sacred vows to the Ganesha Lord. I said, "Ganpati, today is the first time that I am taking sacred vows. If I am Sardar Bhagwan Singh Sidhu's son, I will play for India one day. And this is the idea that I am going to live from now on. And you will not believe." Early in the morning, I would wake up the servants at 4 o'clock. I would take them to the ground. I would water the pitch myself. I would roll the pitch myself. Have one square meal a day. And I would hit 125 sixes every day without fail. My hands would bleed. My hands would bleed. Blood would come all over the hands. Chale pad gaye the, khoon nikalta tha haathon mein se. And yet I invented new gloves with rui in it. It would soak all the blood. In 3 months, young fellows, my hands were like iron. Patti baandh ke bhi chhakka maar sakta tha. For four years, there were no colored clothing that I wore. The article of Rajan Bala was in my wardrobe. I pasted it in my wardrobe. It was there in my wardrobe for me to see it every day. And every day that article would inspire me. And every day that article would suggest that I had to play for India. For 4 years, there was no colored clothing. For 4 years, there was no parties. There was just one day of rest. I would come back from the ground at 6 or 7 in the night. There were halogen lamps installed in my backyard. And, you know, there were young fellows who would bowl from 15 yards, from 14 yards. I would give them my pocket money as chocolates. They would bowl from 15 yards. They would bowl faster than Malcolm Marshall. 12 o'clock in the middle of the night, food would be laid on the table, but I would be sleeping with my pads on. I would get up with my pads on. 2 years henceforth, my father passed away. Part of me died. But I carried on with that dream that my father saw for me. I carried on and on and on. After 4 years, I got the first opportunity. My mentor, Kapil Dev, called me for the Sheesh Mahal tournament. Brilliant performance, took me to the World Cup. And once I went into the World Cup, 5 50s in a row, 42 sixes. It's a world record, standstill date in the Limca Book of Records. And once that world record was set, Kapil Paji took me to Sharjah, the second tournament. And Ravi Shastri comes up to me and he throws a newspaper at me. He says, "Sid, there's something wonderful written about you. Have a read." I said, "What?" He says, "This is the Khaleej Times. Have a read."
So he threw that newspaper to me and I took it. And the newspaper, the same writer, Rajan Bala, on the front page of the Khalij Times writes, from strokeless wonder, Navjot Singh Sidhu is now Sixer Sidhu, a palm groove hitter. Life comes back, full circle. There's an order of perspiration to every successful human being in life, young fellas. The only thing that you will get without effort is dandruff. Haslo, haslo, partari thoko. You know, I've got nothing to offer you but blood, sweat, toil, and tears. I've been myself. I've enjoyed what I wanted to do. It has never been a burden. Zindagi mein jo karya aap enjoy karoge, wo successful hoga. Chahe photographer banna chahte ho, to bhi successful hoga. Lekin jo karya bojh ban jayega, wo successful nahi hoga. I've been myself. I've never imitated anybody. Whether it was commentary, whether it was cricket, whether it was being a politician, I have never changed. I have adored people, but been myself. The story that changed my life completely is the story of the World Cup 1987. From a non-entity, from a strokeless wonder, Navjot Singh Sidhu playing the World Cup 1987. And, you know, when I played that World Cup, the first match was with Pakistan. So Pakistan ke saath pehla match tha, and I got out early. And my coach, when I was walking out, I was trying to hit a six. My coach, Gucci Paji, greeted me on the boundary line. He says, "Tere liye Patiale di pitch le aawa." You know, you abuse 10 times in English and you do it once in Punjabi. That once in Punjabi is much better, right? So he gave me the choicest of all those rockets. And he says, "Tere liye Patiale ki pitch leke aao? Should I bring a Patiala pitch for you? This is not a place to hit sixes," he told me. "Yahan khelna hai to hole hole, pole pole, and thalle thalle. Hole hole, pole pole, and thalle thalle." So it got ingrained in my system ke hole hole, pole pole, thalle thalle khelna hai, bhai chhakka nahi marna. And the first match that I played was against Australia. 1987, 80,000 people in the stadium, 90,000 people outside, a billion people watching, not a soul bats an eyelid. 260 run banaye Australia ne, pehla match mera World Cup ka. 260 banaye Australia ne. Aur hamara ek chase shuru hua, maine ek catch bhi pakda, not that I caught the ball, it was an accident, the ball caught me. Taadi badi badi baji, chalo jo bhi hua. And I go in and I am sitting in the dressing room. And suddenly Maninder Singh shouts at me. Gavaskar and Srikant have started to open. You all remember Srikant? Yeah. What did I ta? He never knew how to defend. So suddenly Maninder Singh shouts, "Sardar!" I go, "Huh?" He says, "Gavaskar out." I go, "Huh?" And I'm shaking inside. Pasine aa rahe hain air conditioned room mein. And suddenly I get up and I walk out. And the entire Chennai crowd stands right in front of me. "Come on, Sidhu, Sixer, Sidhu." Fresh spirits infused in my veins, I walk out like a general. I got baat baat kar raha, chhodna nahi goron ko, aisi taisi inadi vat kar dunga. And I'm talking to myself and I'm walking out like a general, right? And suddenly the colossal figure of Gucci Paji comes right in front of me, my coach. "Hole hole, pole pole, and thale thale." I got mar gaye bhaiya, hole hole, pole pole, pole thale thale. And Peter Taylor is bowling. And Alan Border sees this yellow streak in me and he surrounds me with 11 people close. Ek bhi piche nahi. Aur main sixer se tu. Aur piche ek banda hai. And he surrounds me with, aur main tuk tuk kar raha hun for the sake of Gucci Paji. I'm trying to take a single. And I'm trying to push it towards mid-wicket. Dean Jones khada, thai karke throw. Brilliant fielders. Mike Valletta, thai karke throw. Panch ball nikal gayi, koi single nahi. Sab khere mein idhar. Srikant ko single lena hi nahi aata tha, wo to chauwa maar gaya, wait da, ek chauwa maara hai, wait da karke. And the ball is back in my court. The crowd, which is saying Sixer Sidhu, Sixer Sidhu, suddenly saying, "Boo, boo." Main kaha, "Le bhai Sardar, teri izzat ka faluda pakka hoga, ab single le le Gucci Paji ke liye." And I push towards point and I run towards Gucci Paji and I run towards Srikant. I say, "Yes, come on Srikant, run, 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 one." He's got the bat behind him and he said, "No, wait, da." I turn myself like a lorry and I dive for my life. I dive for my life, you know. And I look at the umpire.
आंख में मिट्टी, नाक में मिट्टी, चारों तरफ. दैट वाज द फर्स्ट डाइव ऑफ माय लाइफ, जान बचाने के लिए, राइट. देन द एम्पायर सेड नॉट आउट. द मोमेंट द एम्पायर सेड नॉट आउट, मैं गया भाड़ में जाए गुज्जी बाजी. वाहे गुरु जी का खालसा और वाहे गुरु जी की फतेह. वो बॉर्डर मेरी तरफ देखे कि सरदार में देवी आ गई है, हो क्या क्या आएगी, व्हाट इज ही डूइंग. एंड आई डिड दिस, वाहे गुरु जी का खालसा. एंड पीटर टेलर बोल्ड द नेक्स्ट बॉल. मैं 1 2 3 4 5 6 कटे. इट वाज लाइक अ गन शॉट. गगनचुंबी छक्का. गेंद इतनी ऊपर गई है और उसकी पप्पी लेके नीचे आती थी. Miles out of the ground. One over, four sixes. That over, four sixes. I was batting 44. In the next four overs, I was batting 44. Six sixes, two fours, not a single, not a double. Gucci Paji had gone out of the window. I scored 72 in that innings, 550s in a row, 42 sixes. Limca Book of World Records. Can you imagine? So, bro, I've got nothing to offer you but blood, sweat, toil, and tears. That is the story of Navjot Singh Sidhu. That is the story of every champion in life. That is the story of every achiever. God bless you all, and thank you very much for having given me this opportunity. Thank you. God bless you. And we are here for a very important political thing. You know, Rahul Bhai is my hero. This is for the first time that a leader has asked young India to give their own opinions. Young India to say, what is the kind of youth policy that you want? Always we have imposed on the young people and say, yaar, tu doctor ban ja, tu engineer ban ja. Par aaj tak koi Hindustan mein leader aisa paida nahi hua jisne kaha ho ke jao pura Hindustan ghumo aur naujawanon se milo aur un naujawanon se pucho unko kya youth policy chahiye. That is what separates him from the rest. I have never made it into a political function, but this is what we are here for, and this is the opinion that we want from you. What is it that you want in your great country? What is the youth policy that you want? What is it that you strive for? Aur usi ko dekh ke Rahul Bhai will announce the next youth policy of this great country in a month's time, and that is where I'm coming from. कुछ बोलने की जरूरत नहीं है. सूर्य प्रमाण नहीं देता कि उसमें प्रकाश है. परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं. वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं. थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस ऑल. थैंक यू.